वॉट इज़ पाइथन बिगनर, कि हम पाइथन को बिगनर्स की लैंग्वेज क्यों कहते हैं। सबसे पहले तो पाइथन के मैंने आपको मेन बेनिफिट बताया कि पाइथन का जो सिंटेक्स है और इसका जो लैंग्वेज का कोडिंग है दैट इज़ वेरी इजी। तो दैट मीन्स ये क्या है, यूज़र फ्रेंडली है, इसको आप बड़ी जल्दी अडॉप्ट कर सकते हो लैंग्वेज को। ये जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अभी आपको मैंने जर्नल पर्पस का सारा मीनिंग बता दिया। तो पाइथन इज़ ए पावरफुल जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मीन्स आप इसको वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन को बनाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको आप वेब डेवलपमेंट में भी यूज़ कर सकते हो, डाटा साइंस में भी यूज़ कर सकते हो, सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप्स बनाने में लिए, मतलब हर एक जगह में इसका स्कोप यूज़ कर सकते हो। पाइथन है सिंपल इजी टू यूज़ सिंटेक्स, इसका सिंटेक्स बहुत इजी है। जैसे मैंने आपको सिंपल बोला, आपने एडिशन ऑफ टू नंबर करना है, आप ए लिखोगे बी लिखोगे सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो मैथ्स में भी आप इसी तरह से काम करते हो। तो दैट मीन्स इसका जो सिंटेक्स है, इसका लैंग्वेज का जो कोडिंग है, हमारे अपनी कॉमन जो हम लैंग्वेज इंग्लिश बात करते हैं नेचुरल लैंग्वेज से मिलती है। दैट मीन्स कोड्स को कीवर्ड्स को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ईजी है और कोडिंग करना ईजी है। तो दैट्स वाई इट्स यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज, तो इसको हम बिगनर्स लैंग्वेज भी कहते हैं। दिस स्पीक्स पाइथन इन सब फीचर्स के कारण कि जैसे आपको जर्नल पर्पस है, हाई लेवल लैंग्वेज है, इसके फीचर्स हैं, कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ईजी है, इसका सिंटेक्स ईजी है, कोडिंग कम लाइन्स में यूज़ होती है। तो इन सब बेनिफिट्स के कारण ही क्या है, दिस मेक्स पाइथन एन एक्सीलेंट लैंग्वेज टू लर्न टू प्रोग्राम फॉर बिगनर्स, बिगनर्स को स्टार्ट करने के लिए ये सबसे परफेक्ट लैंग्वेज है।